पैसिफिक रिम के दुनिया में बड़े बड़े काइजूस और रोबोट्स को एक दूसरे के साथ लड़ते हमने देखा था। जिस फ्रेंचाइजी को आसमान छूना चाहिए था वो सीधे जमीन पर आ गिरी। इस फ्रेंचाइजी के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्यों पैसिफिक रिम फेल हुई, चलिए आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस मूवी के राइज और फॉल को समझने के पहले सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं पैसिफिक रिम एक्चुअल में क्या बला है। फ्यूचर में किसी और डायमेंशन से आए मॉन्स्टर साइज काइजू समंदर में दरवाजा खोल पृथ्वी पर हमला बोल देते हैं। इस काइजू के बर्बरता को रोकने के लिए पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स जिएगर्स को बनाया। इन जिएगर्स को दो इंसान ऑपरेट कर सकते थे। इन दोनों को जिएगर्स से न्यूरल लिंक के जरिए जोड़ा जाता था। इस कहानी में हम जिएगर्स और काइजू को लड़ता तो देखते ही है, पर दूसरी तरफ पायलट्स और वैज्ञानिकों के पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल को भी हमने यहाँ पर महसूस किया था। इस कहानी को इन दो मूवीज ही नहीं बल्कि कॉमिक्स, एनिमे और गेम्स में भी काफी ज्यादा अनफोल्ड होता हमने देखा था। हमारे कहानी की शुरुआत 2013 के गियर्मो डेल टोरो के पैसिफिक रिम के साथ होती है, जहां काइजू और जिएगर्स पहली बार बिग स्क्रीन पर हमें दिखे थे। पैसिफिक रिम गॉडज़िला की तरह कुछ नया लेकर आई थी, जहां कुछ जबरदस्त एक्शन एडवेंचर्स सीक्वेंसेस और इंटरेस्टिंग कहानी हमें देखने को मिली थी। पहली पैसिफिक रिम को क्रिटिक्स के साथ साथ फैंस ने भी काफी सराहा था। जहां एक तरफ क्रिटिक्स ने 72% का ताजा टमाटर इस मूवी को दिया, तो वही दूसरी तरफ 77% के अप्रूवल रेटिंग के साथ फैंस ने भी तहलका मचा दिया। मूवी को देखने के लिए थिएटर में काफी भीड़ उमड़ी। पहली पैसिफिक रिम ने पूरी दुनिया में 411 मिलियन यूएस डॉलर कमाए थे। इसी के साथ गियर्मो डेल टोरो की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। पैसिफिक रिम का सबसे बड़ा मार्केट रहा चाइना, जहां से 112 मिलियन डॉलर आए थे। इस फिल्म को सिर्फ 180 मिलियन डॉलर के बजट के साथ बनाया गया था। ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर था, लेकिन इस सक्सेस के बावजूद पैसिफिक रिम फ्रेंचाइजी कभी उड़ान नहीं ले पाई। ऐसा क्यों? शुरुआती सक्सेस के बावजूद फ्रेंचाइजी को काफी सारे मुसीबतों को झेलना पड़ा, जैसे कि पहली मूवी के बाद ऑलमोस्ट 5 साल के बाद हमें सिक्वल देखने को मिला। लिटरली इसके लिए फैंस को स्टूडियो से मन्नतें मांगनी पड़ी थी, जो किसी भी थ्राइविंग फ्रेंचाइजी के लिए अच्छी बात नहीं। पैसिफिक रिम अपराइजिंग में ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन को इन्होंने और पेचीदा बना दिया। बेवजह के प्लॉट पॉइंट्स डाले गए, एक्सपांड करने के चक्कर में इनका पहिया फंस गया। पैसिफिक रिम को उसकी जैसी दूसरी फ्रेंचाइजी और ब्लॉकबस्टर मूवीज से फैंस अटेंशन के लिए लड़ना पड़ा। अपराइजिंग को फैंस का सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये एक फ्लॉप साबित हुई, जिसने 150 मिलियन डॉलर के बजट पर सिर्फ 290 मिलियन डॉलर कमाए थे। मिक्स रिव्यूज के साथ आई पैसिफिक रिम अपराइजिंग बिग स्क्रीन पर आखिरी मूवी रही इस काइजू एक्स्ट्रावेगेंजा की। दोस्तों, हमें इस फ्रेंचाइजी के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका मूड अच्छा करने के लिए चलिए एक जोक सुना देता हूँ। आप मुझे सोच के बताना कि काइजू इंडिया में किस लिए आ सकते, ताकि वो स्पाइसी फूड खाकर दुनिया में आग बरसा सके। आप जान लेना वो आग कहाँ से बरसने वाली है। ओरिजिनल फिल्म के जादू को रिप्लीकेट ना किए जाने की वजह से इस फ्रेंचाइजी को डूबना पड़ा, पर इसके बावजूद एक एनिमेटेड शो नेटफ्लिक्स की ओर से बनाया गया था, पैसिफिक रिम ब्लैक। पैसिफिक रिम ब्लैक को इतना खास रिसेप्शन और प्यार तो नहीं मिला, पर यह एक देखने लायक एनिमेटेड सीरीज थी। इस फ्रेंचाइजी का फ्यूचर क्या होल्ड करता है, ये तो शो के सीजन 2 से ही हमें पता चलेगा। पैसिफिक रिम फ्रेंचाइजी एक तरह से इंटरेस्टिंग और काबिले तारीफ थी, पर दूसरी तरफ वो मिक्स रिव्यूज और चैलेंजेस को हम देख पाते हैं। मूवी इंडस्ट्री के बदलते लैंडस्केप को अडेप्ट नहीं कर पाई। अब ये फ्रेंचाइजी फिर से समंदर की गहराइयों में लांग पाएंगी या नहीं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम हर 3 से 4 दिन में एक ऐसा वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो ब्रिल मंथी को सब्सक्राइब जरूर करें, उस लाल बटन को दबा दे और घंटी को बजाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।